Hello everyone, we are from Digicon Automation, an authorized channel partner of Danfoss. और आज हम जो एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे वो है टू वायर स्टार्ट स्टॉप विद प्रोसेस क्लोज लूप, और ये है इसका वायरिंग डायग्राम। यहाँ पर हमने जो टर्मिनल यूज किए है वो है 12, 18 और 60। यहाँ पर हमने 12 से 24 वोल्ट सप्लाई दिया है। 18 नंबर पर हमने एक टू वे सिलेक्टर स्विच यूज किया है, और वही टर्मिनल नंबर 60 जो कि एनालॉग इनपुट है वहाँ पर हमने एक फीडबैक फ्रॉम प्रेशर ट्रांसमीटर 4 to 20 mA के लिए यूज किया है, जिसे हमने सप्लाई 24 वॉट टर्मिनल 12 से कनेक्ट किया है। और यह है पैरामीटर लिस्ट जो कि हम ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये थे हमारे सभी पैरामीटर जो कि हम अभी ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोसेस क्लोज लूप सिस्टम के लिए। तो ये है वायरिंग डायग्राम ऑफ टू वायर स्टार्ट स्टॉप विद प्रोसेस क्लोज लूप। यहाँ पर हमने एक टू वे सिलेक्टर एनो स्विच यूज किया है, जिसे हमने टर्मिनल नंबर 12 और 18 पे कनेक्ट किया है, जहाँ 12 से हम 24 वोल्ट सप्लाई ले रहे हैं। वही ये है डेनफोस का प्रेशर ट्रांसमीटर। तो ये है डेनफोस का प्रेशर ट्रांसमीटर, जहाँ पर पिन नंबर 1 सप्लाई के लिए, वही पिन नंबर 2 कॉमन है, जैसे हमने टर्मिनल नंबर 12 से सप्लाई दिया है। वही इसका कॉमन हमने कनेक्ट किया है एनालॉग इनपुट 60 पर। ये थी वायरिंग डायग्राम ऑफ प्रेशर क्लोज लूप सिस्टम के लिए। और अब हम देखेंगे कि प्रेशर क्लोज लूप सिस्टम के लिए ड्राइव के अंदर पैरामीटर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी हम पैरामीटर एंटर करेंगे। सबसे पहले 2 बार मेन्यू प्रेस करके पैरामीटर ग्रुप 1 में जाने के बाद यहाँ पर 1-00 में हम 3 सेट करेंगे। अब 1-01 में 0 सेट जो पहले से डिफ़ॉल्ट है। अब 1-20 से लेके 1-25 तक मोटर की नेम प्लेट से जो भी मोटर का डेटा है वो हम ड्राइव के अंदर सेट करेंगे। अब बैक दबाकर पैरामीटर ग्रुप 3 में जाएंगे। यहाँ पर 3-03 में हम मैक्सिमम रेफरेंस सेट पॉइंट 3.5 bar सेट करेंगे। यहाँ पर 3.5 सेट हो चुका है। अब ओके दबा देंगे। अब 3-10 में जाएंगे जो कि हमारा प्रीसेट रेफरेंस है, जिसे हम 100 सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 100 सेट कर दिया है। अब 3-15 में जाएंगे बैक दबाकर। जो कि हमारा रेफरेंस रिसोर्स 1 है, जिसे हम 0 सेट कर देंगे नो फंक्शन के लिए। इसी तरह 3-16 को भी 0 कर देंगे और 3-17 को भी 0 कर देंगे। अब 3-41 में जाएंगे जो कि हमारा एक्सेलरेशन टाइम है या रैंप अप टाइम है, जिसे हमने 3 सेकंड सेट किया है, उसकी जगह हम 25 सेकंड सेट कर देंगे। यहाँ में हमने 25 सेट कर दिया है। अब 3-42 जो कि हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम है, जिसे हमने 40 सेट करना है। तो यहाँ पर हम उसे 3 सेकंड से चेंज करके 40 सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने 40 सेट कर दिया है हमारा रैंप डाउन टाइम या डी एक्सेलरेशन टाइम। अब बैक दबाकर पैरामीटर ग्रुप 4 में जाएंगे। यहाँ पर 4-10 जो कि मोटर स्पीड डायरेक्शन है, हमने यहाँ पर 0 सेट किया है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है क्लॉकवाइज के लिए। और 4-14 जो कि मोटर स्पीड हाई लिमिट है, यहाँ पर हम 65 से चेंज करके उसे 50 सेट कर देंगे।
सो मोटर स्पीड हाई लिमिट सेट करने के बाद 4-16 में जाएंगे, जो कि टॉर्क लिमिट मोटर मोड है, उसे हम 250 कर देंगे। 150 से चेंज करके 250% कर देंगे हम। अब 4-17 में जाएंगे, यहाँ पर टॉर्क लिमिट जनरेटर मोड 100% से चेंज करके हम 250% कर देंगे। सो यहाँ पर हमने टॉर्क लिमिट जनरेटर मोड 100% से चेंज करके 250% सेट कर दिया है। अब बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 5 में जाएंगे डिजिटल इनपुट के लिए, और 5-10 जो कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है 8 स्टार्ट कमांड के लिए, 5-11 में हम 0 कर देंगे नो फंक्शन, 5-12 भी हम 0 कर देंगे, 5-13 उसे भी हम 0 कर देंगे नो फंक्शन के लिए, और 5-14 उसे भी हम नो फंक्शन 0 सेट कर देंगे 5-15 को। अब बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 6 में जाएंगे, यहाँ पर 6-22 टर्मिनल 60 लो करंट की वैल्यू हम 0.14 से चेंज करके 4 मिली एम्पियर सेट कर देंगे। अब 6-23 जो कि 20 मिली एम्पियर डिफॉल्ट सेट है टर्मिनल 60 हाई करंट, अब 6-24 जो कि 0 बार पहले से सेट है टर्मिनल 60 लो रेफरेंस फीडबैक वैल्यू हमारी, और 6-25 जो कि टर्मिनल 60 हाई रेफरेंस फीडबैक वैल्यू है उसे हम 50 से चेंज करके 10 कर देंगे। यहाँ पर हमने 10 बार सेलेक्ट कर दिया है। अब बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 7 में जाएंगे, यहाँ पर 7-20 जो कि हमारा प्रोसेस क्लोज लूप फीडबैक रिसोर्स 1 है उसे हम 2 नंबर सेट कर देंगे, वो है एनालॉग इनपुट 60 के लिए जो हमने टर्मिनल यूज़ किया है। अब 7-33 में प्रोसेस पीआई प्रोपोर्शनल गेन उसे हम 0.01 से चेंज करके 2 कर देंगे। तो 2 करने के बाद अब हम 7-34, यहाँ 7-34 जो कि प्रोसेस पीआई इंटीग्रल टाइम है उसे हम 7 सेट कर देंगे 7 सेकेंड। यहाँ पर हमने 7-34 में 7 सेकेंड सेट कर दिया है। अब सारे पैरामीटर हमने ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब 2 बार बैक बटन दबाकर हम मेन मेन्यू से बाहर आ जाएंगे, तो मेन मेन्यू से बाहर आने के बाद अब हम जैसे स्टार्ट कमांड देंगे तो हमारी ड्राइव रन मोड में आ जाएगी, और जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा प्रेशर ट्रांसमीटर के थ्रू वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑन 2 वायर स्टार्ट स्टॉप विथ प्रोसेस क्लोज लूप सिस्टम। थैंक यू।